हेलो दोस्तों, आप इस जीटीएसएन एंड्रॉइड्स गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं और आप कई सारे वीडियो के अंदर भटक चुके हैं, लेकिन आपको ये गेम कोई डाउनलोड नहीं करवाता है। लेकिन आज मैं आपको इस गेम को डाउनलोड करवाऊंगा। मेरे दोस्त, ये वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक देखना, आप किस तरह से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो आप खुद जान जाओगे। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास मोबाइल अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब कि 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी लमसम होनी चाहिए उस मोबाइल के अंदर, उसके बगैर नहीं चल सकता ये गेम। और कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा, ये गेम पीसी गेम है। इस गेम को आप मेमोरी जितनी खाली रखोगे फ़ोन की, उतना ही ये गेम अच्छा चलेगा, मतलब लेग नहीं करेगा। और ज़्यादा इस गेम की साइज़ नहीं है, बड़ी छोटा सा गेम है, बस लाइट है, पबजी लाइट होता ना उसी तरह लाइट है ये GTA का। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद नीचे लिंक मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम लिंक को ओपन करते ही आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ मैंने दोनों, एक एप्लीकेशन का और एक जीटीएसएन एंड्रॉइड का लिंक, फाइल लिंक है, वो अपलोड किया है। वहाँ पर जाओगे आपको तब पता लग जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ। मैं ये टेलीग्राम ओपन किया मैंने, यहाँ पर ये देखो मैंने दोनों लिंक है वो ओपन कर अपलोड कर चुका हूँ मैं। एक ये रही, ये दोनों लिंक। पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है? पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेना इस चीज़ को, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद आपको ये डाउनलोड करके छोड़ देना है। फिर क्या करना मैं बता रहा हूँ, जो जो करना है वो। फिर आपको जाना है, एक मिनट भाई यार, मेरी एप्लीकेशन बहुत है। फिर आपको जाना है जेड अचीवर में, ये रहा जेड अचीवर, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। इसकी लिंक है वो मैं प्ले स्टोर की दे दूंगा, प्ले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपको क्या करना मैं बता देता हूँ, जेड अचीवर को ओपन करना है। यार ये जेड अचीवर आ गया, इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सर्च बार ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है GTA, लिख करके छोड़ देना है। ये सर्च चल रहा है ऊपर सर्च बार के, यहाँ पर मतलब पूरी पूरा एप्लीकेशन नहीं आया, ठीक है? नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो GTA, फिर यहाँ पर क्लिक करना और ये दे देना स्पेस, ये दे, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर क्लिक करना, ये भी इसे भी नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, ऐसे देखते हैं, ठीक है? ऐसे को नहीं मिला, सॉरी भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश है भाई। GTA ये मिल गया भाई, देखो GTA, मतलब यहाँ आप सर्च करोगे ना GTA, मेरे बहुत सारे, मैंने मेहनत की इसीलिए GTA बहुत सारे नाम आ रहे हैं आपको। देखो ये इस पर क्लिक करना है, ये दिख रहा है ये लोगो, ये इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नाम दिख रहा है स्थानांतरित, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद मोबाइल के अंदर, हर मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड नाम मिलेगा, क्योंकि मोबाइल का ये डेटा इसी के अंदर होता है, एंड्रॉइड के अंदर, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो एंड्रॉइड नाम मिलेगा आपको, ऊपर रह गया है ना शायद, देखते हैं अभी। एंड्रॉइड यहाँ पर क्लिक करना है आपको, इसको एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, OBB में जाना है। OBB में जाने के बाद आपको ये दिख रहा है, ये लोगो, मैं बता रहा हूँ ये लोगो दिख रहा है, एक मिनट सॉरी भाई, ये लोगो, ये यहाँ पर देखो, ये लोगो एक यहाँ पर आया ना, ये इस लोगो पर आपको क्लिक करना है। एक मिनट यहाँ यहाँ पर लोगो है ना, इस लोगो पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? इस लोगो पर क्लिक करते ही ये इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पहले से डाउनलोड किया हुआ, मैं भी बता देता हूँ आपको, इस पर क्लिक करना है। ओके, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आ गया। फिर आपको क्या करना है, बैक चले जाना है, बैक चले जाना, छोड़ो यहाँ पर जाओ। फिर आपको जेड अचीवर को ओपन करना है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना। जेड अचीवर को ओपन कर लेना, नहीं फिर आपको टेलीग्राम को ओपन करना है, ठीक है? टेलीग्राम को ओपन करने के बाद ये लिंक है ना, इस दूसरी लिंक पर क्लिक करना, दूसरी फाइल पर क्लिक करना। फिर जेड अचीवर में जाना है। जेड अचीवर में जाने के बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है GTA, कैपिटल लेटर में लिखना है GTA, GTA लिख के आगे लिखना है GTA SN, नहीं है, एक मिनट भाई, उस एप्लीकेशन का नाम देख लेता हूँ मैं, मिलता नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं।
तो टेलीग्राम पे जाता हूँ मैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई यार, क्या करूँ। GTA Lite ये देख लेना, ये नाम लिखना पड़ेगा वहाँ पर, GTA Lite। ओके एक मिनट लिखते हैं भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। GTA Sa, इसके बाद LITA Light, अब देखते हैं क्या आता है। सर्च किया है, देखो ये ऊपर आ गया भाई, ये दिख रहा है ऊपर नाम GTA Sa आ गया ऊपर। ठीक है, अब क्या करना आपको मैं बताता हूँ। आपको एक मिस्टेक हुई थी पेचे, आपको पता है इस चीज़ का। चलो छोड़ो, एक मिनट मैं वापस इसको ओपन करता हूँ, एक मिनट छोड़ो। आपको टेलीग्राम पर वो दोनों डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ZHL में जाना है। ZHL में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखो GTA यहाँ पर क्लिक करना है, GTA Sa। इसके बाद आपको खोजे पर क्लिक कर देना है, बिल्कुल सा कुछ नहीं करना है। क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर आ गया GTA Sa नाम आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, दबा के क्लिक करना है, मतलब इस टैप करके रखना है। ठीक है, यहाँ पर टैप करके रखने के बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो अचीवर को जांचे ऐसा नाम आएगा, हिंदी में होगा आपका मोबाइल, तब ये देखो हो गया चालू, फाइल देर हो रही है, मतलब ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, इस चीज़ को हम होने देते हैं, फिर आगे क्या होते हैं देखते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। इसको होने देते हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना आप, तभी आपका ये गेम डाउनलोड होगा भाई। और अगर कोई प्रॉब्लम होना तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं हर सॉल्यूशन का आपको जवाब दूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बैंक जाना है, बैंक में जाना है। रुको, ये पर आ, यहाँ पर ये आया हुआ है, इस चीज़ को आपको स्थानांतरित करना है, मतलब इस चीज़ को टेप करके रखना है। मैंने पहले भाई ये क्यों आया है बताओ, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँ ये क्यों आया है। मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये GTA Sa पहले क्यों आया था आपको मैं बताऊँ, ये क्योंकि मैंने इस फाइल को पहले रेयर कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। आप जब इसको ओपन करोगे ना, तो केवल आपके पास ये ऊपर वाला ही आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। जब आपको मैं बताई थी ना नीचे अचीवर करना है, फिर आपके पास ये नीचे दिखेगा GTA Sa Lite, फिर आपको इस पर क्लिक करना है, ध्यान रखना जो जो मैं बता रहा हूँ। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो ये स्थानांतरित नाम आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको जाना है एंड्रॉइड के अंदर जाना है। ठीक है, मैं जो जो बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना, भूलना मत मेरे दोस्त, भूलना मत, भूल गए ना एक टेप भूल जाओ तो ना वापस देख लेना, मैंने जो चीज़ बताई है ना वो सोच समझ कर बताइए। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मिल रहा है यार, कहाँ गया एंड्रॉइड नाम, एंड्रॉइड मिल जाए, ये देखो एंड्रॉइड का लोगो मिल गया है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ OBB मिल गया है। ठीक है, रुको यार क्या हो रहा है, रुको यार कहाँ दब कर गया क्या, सॉरी भाई यार मैं वापिस आता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना, ये आ गया, मैं मोबाइल थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, मतलब वापिस आना है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एंड्रॉइड पर क्लिक करना है, OBB माना है, फिर क्या करना है आपको, ये यहाँ पर GTA Sa देखो, हमने पहले ये चीज़ हमने यहाँ पर लगाई थी। ठीक है, इसके बाद हमें ये लोगो देख रहे हैं ना पहले वाला, जिससे मैंने बताया था, इस लोगो पर आपको क्लिक कर देना है, बिल्कुल सा इस लोगो पर, यहाँ लोगो है ना, इस पर क्लिक करना है, बिल्कुल सा क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपकी फाइल है वो रेयर हो जाएगी, रेयर होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है गेम के अंदर जाने के बाद ये दिखेगा गेम हमारा। इस गेम को हम ओपन करेंगे ना तो हमारा गेम स्मूथली चलेगा। देखो मैं किस तरह से बता देता हूँ आपको, इस गेम को हम ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, ऑफलाइन भी खेल सकते हैं। यहाँ पर देखता है OBB भाई, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, स्मूथ क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर देखो आपको आपके पास नहीं हो पाएगा, मैं पहले खेल रहा था तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है।
ये देखो आ गया भाई, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से ये गेम आ गया। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस गेम के बारे में। अब आपको किसी भी एप्लीकेशन पर घूमने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया था वैसा आपको करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को बता देना, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्कुल ही बता दूंगा भाई। लेकिन आपको मैंने जो बताया था उस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपका ये गेम स्मूथली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।